वेल, जैसा आप देख रहे हैं आज ब्रांड एनसी का कैलेंडर लॉन्च था, ठीक है, और जो सर है नीतीश चंद्रा, वो उनका ये लॉन्चिंग था. और बेसिकली सर हमेशा मुंबई की मॉडल्स को ही लेते हैं और इंटरनेशनल किस्म की, बट इस बार सर चूंकि बिहार के खुद है तो इस बार हम लोगों को मौका मिला है जो भी बिहार की मॉडल्स है, और द रियल लाइफ प्रिंसेस की जो भी विनर्स थी, कंटेस्टेंट सब कंटेस्टेंट जो भी विनर्स थी, उनको मौका मिला है इस कैलेंडर में. ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, खुशी है, और हम लोग जो कि ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उन्हें एक मौका मिला है कैमरे के सामने आने का, और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं, ये हमें लॉन्चिंग मिली है इस चीज़ के लिए. और यहाँ पे जो भी जितने भी कंटेस्टेंट हैं सब बहुत ही खुश है, सब बहुत एक्साइटेड है. हम लोगों ने मेहनत किया इसके लिए, जो भी आना शूट पे टाइम पे, और यू नो ग्रूमिंग सीखना, ऑब्वियसली सर ने हमें सब कुछ सिखाया, ही इज़ एज अ मेंटर, ही हैज़ वर्क विथ अस, सो ऑब्वियसली बहुत ही एक्साइटमेंट और खुशी है. आज मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था, बिकॉज ये ब्रांड एनसी कैलेंडर का ये लॉन्च है पटना में, और जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बार जैसे मेरे कैलेंडर में जनरली इंटरनेशनल या नेशनल मॉडल्स को ही चांस मिलता है जनरली, और ये बहुत ही मारामारी होती है वहाँ पे. बट द थिंग इज़, मैं जब पटना आया और मैंने किस यहाँ के मॉडल्स को देखा, मतलब जो जिनको बहुत मॉडल बनने की चाह थी लेकिन उनका प्लेटफॉर्म नहीं था, वो अच्छे थे लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो अपनी अपनी सुंदरता को, अपने टैलेंट को, अपने स्मार्टनेस को एक प्लेटफॉर्म पे दिखा सकें. तो मैंने उनको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया है ये ब्रांड एनसी कैलेंडर पे, और पहली बार बिहार, सिर्फ बिहार की 18 मॉडल्स हैं इस कैलेंडर पे, जो सबसे बड़ी बात है. और मैं जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको मैंने पर्सनली सिर्फ 4 दिन ग्रूम किया और इनका ये नतीजा है. अभी मैं फिर से बिहार में एक फेब में एक इवेंट कर रहा हूँ, बिहार दिवस के थोड़े से पहले, उनमें एक इनको मैं प्रॉपरली 10 दिन की ग्रूमिंग होगी, जिनके सारे ग्रूमर्स बाहर से आएंगे, और वो फेब एंड में एक शो होगा. और ये सब मेरा बेसिक पर्पस है, इसको स्वार्थ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको आप अप्रैल एंड में एक मैं इंटरनेशनल फैशन वीक का प्लान कर रहा हूँ पटना में, जिसमें कि हमेशा जिस शोज़ होते थे तो बाहर से मॉडल्स आते हैं, मतलब जो इंटरनेशनल मॉडल्स उनको ज़्यादा दर्जा दिया जाता है कि इंटरनेशनल मॉडल्स हैं ये. मैं चाहता हूँ कि इस बार जो मॉडल बैंक हो बिहार का ज़्यादा हो, और 80% लड़कियाँ बिहार से हो, मेन पर्पस यही है. खुशी तो मुझे है, बहुत ज़्यादा खुशी है, और उससे ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि मैंने ये कर दिखाया. तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि बिना आप लोगों के सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं था. मैंने आपको जब मैं आया था, जिस दिन मैंने बोला था कि मुझे सिर्फ सोच बदलनी है, सोच बदलने में सिर्फ आपने मेरा साथ दिया, मैंने सिर्फ काम किया अपना, बस यही मैं कह सकता हूँ. कैलेंडर में देखिए, बेसिकली ये 12 पन्ने का कैलेंडर है, जिसमें कि हर पेज में 2 मॉडल हैं. तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी हैं, इसमें मॉडल्स भी, नेशनल मॉडल्स भी हैं, इंटरनेशनल मॉडल्स भी हैं, और बिहार के मॉडल्स हैं. तो आप ये सारे फ्रेशर्स हैं, लेकिन इनको मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया उनमें कि आप ये नहीं समझ पाए कि कौन से नेशनल हैं, कौन से यहाँ के हैं और कौन से इंटरनेशनल है, यू नो. तो वो एक खास बात है सबसे बड़ी. और हर कैलेंडर के हर पन्ने पे मैंने बिहार के जो हेरिटेज हैं, जो आर्ट एंड कल्चर, जैसे मधुनी पेंटिंग है, विक्रमशिला है, नालंदा विश्वविद्यालय है, उनको भी मैंने प्रॉपर दर्शाया, क्योंकि एक मेरा एक प्रोजेक्ट है ब्रांड बिहार, जिसके लिए मैं चाहता हूँ, मेरा सपना है कि बिहार को नेशनल लेवल पे फैशन के नाम पे भी, आर्ट एंड कल्चर के नाम पे भी ऊपर दिखाया जाए. तो सब जो मैं कर सकता था बेस्ट इसमें मैंने शोकेस किया है. आप लोगों को एक कॉपी मिल जाएगी, आप भी उसको ध्यान से देख सकते हैं.